राबिया पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाएगी। तुम्हें यही घर में ही आके उसे पढ़ाना पड़ेगा। हमारे साथ एक बहुत बुरा वाक्य हुआ। कैसा वाक्य? मेरी एक सहेली थी आयशा, एक लड़का रशीद दिल्ली से आया, उसने आयशा को बहका दिया, उसको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। आयशा ने एक बच्ची को जन्म दिया। जिस आदमी ने तुम्हें बाप का प्यार दिया वो तुम्हारा असली अब्बा नहीं था। मैं शाहिद की बात कर रही हूँ, राबिया से मोहब्बत करता है। तो शायद मियां उदास है। मैं क्या करूं भाईजान? शायद मियां हम तुम्हारा जैसा तालीम याफ्ता तो नहीं है, पर एक शेर याद आता है, किसका है मालूम नहीं, कुछ ऐसा है कि इश्क आसान नहीं है, समुंदर है, गोता है, ऐसा कुछ है। ये शेर कुछ ऐसा है भाईजान। इरशाद। इश्क नहीं आसान। वाह, बस इतना समझ लीजिए। क्या बात है। एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। वल्लाह क्या बात है शायद मियां, क्या बात है। चलो इसी बात पे अपना तंबू में चलते हैं। उठो आ जाओ। अरे उठो लालेदी जान, आ जाओ। क्या बात है, क्या बात है। मारते समय ये बात दिमाग में रखनी चाहिए भाईजान कि खोलते समय दिक्कत ना हो। गुस्से से मसला हल नहीं होता। अब चलिए मेरे साथ बैठ के बात करते। चलिए 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 भाभी जान आप भी आइए। चलिए चलिए बैठ के बात करते ना। आइए भाभी जान आइए। चलिए आइए भाई, आइए भाभी जान। एक बात बताइए। अब बताने को रह क्या गया है। देखिए आप अभी भी गुस्से में आए, पहले तो गुस्सा खत्म कीजिए फिर बात कीजिए। बैठिए भाभी जान बैठिए। अब क्या बात है? देखिए शायद हमारे साथ पिछले कई महीनों से रह रहा है, क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? हम धोखा खा गए। उसने हमारा पहले यकीन जीता, अब दगा किया हमारे साथ। नहीं भाईजान नहीं, उसने दगा नहीं किया, वो दगाबाज नहीं है। अगर वो दगाबाज होता तो हमारी बेटी के साथ वो कुछ भी कर सकता था, भगा कर ले जा सकता था। बोलो भाभी जान हम झूठ बोलते हैं? इसमें कोई शक नहीं है हमको, वो एक बेहद सलीके वाला नौजवान है, किसी से भी किसी तरह की आजादी लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर कल रात जो हमने उसके साथ सलूक किया है, क्या वो जायज था? जायज, बिल्कुल जायज था, जायज था। वो राबिया बहू है, इस घर की इज्जत है। वाह भाईजान वाह, अभी तक तो आप सारे कबीले को कहते आए हो कि राबिया आपका बहू नहीं है, बेटी है। हाँ बेटी है वो मेरी, लेकिन ये भी तो हकीकत है कि मेरे बेटे के साथ निकाह हुआ था उसका। हाँ हुआ था उसका निकाह आपके बेटे के साथ, पर वो किस तरह का निकाह था, इस बात पे गौर किया है आपने? आपका बहू उस निकाह के बारे में क्या जानते हैं? निकाह के सही माने को पहचानते हैं? क्या उसे शादीशुदा जिंदगी को देखने समझने का मौका मिला है? भाईजान, भाभीजान,
आपका बेटा उसका जिंदगी में दाखिल होने से पहले अल्लाह को प्यारा हो गया, तो फिर आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उसको जिंदगी का हर सुख दो, हर खुशी दो, उसका ख्याल रखो। कहना क्या चाहते हो फतेहखान? हम जो कहना चाहता है आप अच्छी तरह समझता है भाईजान। अगर आप सच में उसको अपना बेटी मानते हैं ना, तो आप उसको पूछो कि वो क्या चाहता है। रबिया, ओ रबिया, इधर आ। रबिया, रबिया, फतेह कहता है कि मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। भाईजान, भाईजान, हमने ऐसा नहीं बोला है। बस, बस फतेह खान, मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे। रबिया, ये फतेह बोलता है कि, ये बोलता है कि मैंने तुम्हारी तुम्हारी चाहतों का कत्ल कर दिया। ए रबिया, ये बोल, बोल तू चाहती क्या है? बोल रहा, अरे कुछ तो बोल। कुछ नहीं चाहते अब, हम तो बस आपकी नेमतों के साए में रहना चाहते, आपको खुश देखना चाहते। रबिया, रबिया तुम साफ साफ बात करो, तुम शायद से मोहब्बत करता है? अब्बू की रजामंदी के खिलाफ कुछ भी करने से पहले हम मर जाना पसंद करेंगे चाचा। देखा भाईजान, वो आपकी इज्जत और एहसान की वजह से आपके सामने जुबान नहीं खोलती। अब आपको भी ये साबित करना है भाईजान कि आप इस इज्जत और प्यार के सच्चे हकदार हैं। अमीन, इधर आओ। जी चाचा जान। जाओ, शाहिद को बोलो हमने बुलाया, उसको अपने साथ लेकर आना। जाओ। ओके। ओके। फतेहखान क्यों बुलाया उसे? उसको बुलाना तो पड़ेगा ना, ताकि आपका तसल्ली हो सके। आखिर हमको कोई ना कोई फैसला तो लेना पड़ेगा ना। आखिर कौन सा फैसला ले रहा है हमने? आखिर कब तक हकीकत से आंखें मूंदेंगे अमीन के अब्बू? रबिया की खुशी शाहिद को पाने में है। नहीं, कतई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भाईजान, हम आपका दिक्कत समझता है, आपका मजबूरी समझता है। आप सोचता है कि हमारा कबीले में आज तक पहला कभी ऐसे नहीं हुआ। कबीला का लोग क्या सोचेंगे, आप उनको क्या मुंह दिखाएंगे? पर भाईजान, हमको भी कबीला के लोगों को मुंह दिखाना है, और इन लोगों को तो हम मुंह दिखा लेंगे, पर कयामत के रोज अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? भाईजान, आप इन लोगों के बारे में मत सोचो, आप उसका बारे में सोचो कि उसका खुशी किस बात में आई। उसके बारे में सोचो जो अपनी जुबान से बोल नहीं पाती है, उसको समझने की कोशिश करो, उसके चुप्पी को समझने की कोशिश करो। भाईजान, शायद की नियत में खोट नहीं है। भाईजान, अगर उसकी नियत में खोट होता तो इस हादसे के बाद वो कबीले से भाग गया होता। बशीद ने उन्हें देखा है पहाड़ियों से नीचे। शाहिद भाई हमें छोड़कर चले गए।
वो नहीं भाग सकता है, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकता है। वही फतेह खाना और नासगी आना कभी ना, तू तो ठीक ही कहता था। जिसकी नीयत में खोट होता है वही भागता है। भाग गया कबीला, भाग गया कबीला। शाहिद भाई, शाहिद भाई, अरे बड़खुरदार तुम किधर गया था? नीचे मार्केट में बच्चों के लिए नई किताब लेने, बच्चे जल्दी सीख रहे हैं ना, उनके लिए नई किताबें भी जरूरी हैं। अरे तो कम से कम बता के तो जाना चाहिए था ना। क्या हुआ भाईजान, उससे फिर से कोई गलती हो गई? ये सब सोच रहे थे कि अब चला गया। मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ भाईजान, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता और फिर जब तक बच्चे सही से पढ़ लिख नहीं लेते, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। यामीन को भेजा था तुमको बुलाने के लिए, भाभी जान और भाईजान तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम ऐसा करो, हमारे तंबू में चलो। भाभी जान, भाईजान, आप आओ ना हमारे तंबू में। तुम चलो हमारे तंबू में। भाभी जान आओ, जल्दी आओ। देखो बरखुरदार, हम तुम्हारा और राबिया के निकाह करने का बात करने को बुलाया इधर। शायद नहीं, हम तुमसे बिल्कुल साफ साफ और सच्चा सच्चा बात करते हैं और तुम हमको बिल्कुल सच्चा सच्चा और सीधा सीधा जवाब दो। क्या तुम राबिया से सच्चा मोहब्बत करता है? अपने दिलो जान से भी ज्यादा। उसके साथ निकाह करने को तैयार है तू? इसके अलावा मुझे खुदा से और क्या चाहिए खासा? वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा होगा अगर वो मेरी शरीके हयात बन जाए। बस मुझे और खुदा से क्या चाहिए? अल्लाह ताला अगर मुझ पर इतना मेहरबान हो जाए तो मेरा दामन तो खुशियों से भर जाएगा। अभी इसी वक्त उसके साथ निकाह करने को तैयार है? बेशक, बस आप मुझे मेरे अब्बा हुजूर को एक फोन करने की इजाजत दे दें, मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा। दुरुस्त है, तो आज से 4 दिन के बाद ही निकाह होगा। आपने इस नाचीज को इस काबिल समझा, इतनी इज्जत बख्शी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ खान साहब। खान साहब नहीं बरखुरदार, अब्बा हुजूर बोलो, अब्बा हुजूर। शुक्रिया अब्बा हुजूर। अब्बा भी जान, हम सबको खुशखबरी देख के आते हैं। आमीन आमीन। खुश रहे बेटा, खुश रहे, खुश रहे। शुक्रिया अब्बा। राबिया, आमीन, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। 4 दिन बाद निकाह होगा। अरे शाहिद और राबिया की शादी तो हो गई, मुबारक को ललिती जान। की शादी होगी, राबिया की शादी होगी, शाहिद और राबिया की शादी होगी। अल्लाह तुझे खुश रखे। आज मेरे लिए बहुत मुबारक। कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा था कि अपनी बेटी के लिए इतनी खुशियां जुटा पाएंगे। अपने अब्बू का शुक्रिया अदा करूंगी।
की वजह से तुम्हारे बाप हकीकत में तब्दील हो रहे हैं। ए राबिया, ए गुबरी, खुश तो है ना? अल्लाह ताला तुम्हारा दामन खुशियों से भर, तुम्हें कभी कोई तकलीफ न होने दे। बेटा शायद बहुत अच्छा लड़का है, पर जान लड़के तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने देगा। खुश रहे बेटी, खुश रहे। हाँ, मेरी बेटी ने बहुत दुख देखे हैं। शाहिद भाई रबे के साथ निकाह करेंगे। रबे के साथ निकाह करेंगे? हाँ। शाहिद भाई? हाँ शाहिद भाई, कैसा लगता है? शाहिद भाई तो हमारे जैसा नहीं है, वो निकाह कैसे करेंगे? एक बार निकाह हो जाए तो हमारे ऐसे लगने लगेंगे, वो तो देखने में बिल्कुल अलग लगते हैं। शाहिद भाई हमारे जैसे कैसे हो जाएंगे? अभी बताता हूँ। शाहिद भाई उठिए ना, हमारे साथ चलिए। कहाँ? अरे हम बताता है, चलिए। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो अब्बू। हेलो हेलो दादी, मैं शाहिद बोल रहा हूँ। आदाब। जीते रहो बेटा। अरे कहाँ आवारागर्दी कर रहे हो तुम, कभी घर में नहीं टिकते? अब्बू कहाँ है दादी? अब्बू घर पे नहीं है, तुम कहाँ से बोल रहे हो? दादी मैं निकाह कर रहा हूँ। क्या क्या कह रहे हो तुम? सच दादी मैं निकाह कर रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? सच दादी। दादी से मस्करी करते हो, शर्म नहीं आती? तुम घर आओ, तुम्हारी खबर लेती हूँ अच्छी तरह। दादी मैं आपकी बहू के साथ आऊंगा। क्या उठपटांग बोल रहे हो तुम? दादी मैं यही निकाह कर रहा हूँ, लड़की का नाम राबिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाही? घर वालों की इजाजत के बगैर निकाह करोगे? हमारी इज्जत का जनाजा निकालने पर उतारू हो? फौरन वापस घर आ जाओ। सुन रहे हो ना शाहिद? शादी का कोई सलीका होता है, तरीका होता है? तुम हर बात को खेल समझ रहे हो। दादी ज्यादा वक्त नहीं है, मैं स्टडी से बोल रहा हूँ, 3 दिन बाद मेरा निकाह है। अब्बू से कहना उनका आना बहुत जरूरी है। पता नोट करो, पटनी टॉप से 20 किलोमीटर आगे जाएंगे तो बकर वालों के टेंट नजर आ जाएंगे। वहीं पर पहुंचना है, परसों हर हालत में पहुंचना। दादी तुम भी साथ जरूर आना। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, बाय। शाहिद, शाहिद, अम्मी किसका फोन था? रॉन्ग नंबर। अच्छा अच्छा। निकाह है, तुमको तो खुश होना चाहिए। कुछ नहीं, वो अब्बू जान को पहुंचना, अभी तक आए नहीं।
पर निकाह तो करना पड़ेगा ना। तुम उदास मत हो, हम तुम्हारे अब्बू की तरफ से सारी रस्में पूरी करेगा। चलो आ जाओ। बेहतरीन लम्हा है। पर आप खुश नजर नहीं आ रहे। हम अब्बू के बारे में सोच रहे थे, वो हमारे निकाह पर आए क्यों नहीं? हम आपको पाने की उम्मीद बिल्कुल खो चुके थे। अगर वो हमें हौसला ना देते तो हम आपको कभी हासिल ना कर पाते। उन्हें हमारे निकाह की खबर मिले और वो ना है, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं उन्हें खबर मिली है या नहीं। शायद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उनसे खुद जाकर मिल लेंगे और उनकी दुआएं लेंगे। हाँ, पर मैं काफिले को बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। हम आपके अब्बू से मिलकर दोबारा फिर से आकर काफिले में मिल सकते हैं। और बच्चे? है ना, अभी से बच्चों की बातें, अभी तो हमारा निकाह हुआ है। चाहिए हम आपसे बात नहीं करते। अरे नहीं, मैं हम दोनों के बच्चों की बात नहीं कर रहा था, कबीले के बच्चों की। उन्होंने अभी दिल लगाकर काम करना शुरू किया। मैं उनके लिए नई किताबें लेकर आया हूँ, वो भी उन्हें पढ़ाना जरूरी है। अगर वो एक बार खेल कूद में लग गए तो जो सीखा है वो भी भूल जाएंगे। आप जैसा कहेंगे हम वैसा कर देंगे। थोड़ा बहुत तो हम भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को। हम अपने कबीले के बच्चों को तो पढ़ा लेंगे, पर बाकी कबीलों के बच्चों को कौन पढ़ाएगा? शायद हर कबीले के लोगों तक पहुंचकर हर एक को आप अकेले तालीम तो नहीं देने जा सकते ना। हाँ, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे लोगों में तालीम हासिल हो, वहाँ के बच्चे भी पढ़ सकें। कुछ तो हल निकालना होगा। आज ही अभी हल निकालना है क्या? मैं भी कैसा बेवकूफ हूँ, आज की रात ये सब बातें कर रहा हूँ। आज की रात तो बेहद हसीन रात है ना।